नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कुमार और आज के इस एवरेज के सेशन में आपका स्वागत है। तो रिप्लेसमेंट हम पढ़ रहे थे, जहां हमने अपना कल तक कर लिया था उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 months when two of them age 11, 18 years and 20 years are replaced by two new players, the average age of the new players is। तो यही क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। 11 प्लेयर्स की एवरेज एज आपने मान ली x है और 11 की ही आपकी x प्लस 1/6 हो जाती है जब दो नए प्लेयर यहाँ पर लाए जाते हैं और पुराने प्लेयर जिनकी एज 18 साल और 20 साल है उनको हटाया जाता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 11x माइनस आप करेंगे 38 साल, क्योंकि एक 18 साल का है और एक 20 साल का है, तो 38 साल आपको यहां पर घटाने हैं। प्लस आप ए प्लस बी करेंगे क्योंकि दो नए प्लेयर आपको यहां पर लाने हैं। तो आपका यहां पर 11x प्लस 1/6 आपका नया सम यहां पर आ जाएगा। ये आपका 11x पुराना सम है, ये आपका नया सम है, इसमें से 38 साल घटाने हैं और दो नए प्लेयर्स की एज को यहां पर जोड़ना है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11x आपका माइनस 38 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू आप करेंगे 11x प्लस आपका यहाँ पर 11/6 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11x से यहाँ पर 11x आपका कट जाएगा और a प्लस बी इक्वल्स टू आपका यहाँ पर 38 प्लस 11/6 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 48 और 8 × 6 = 18 और 4 × 22 228 प्लस 11/6 यहाँ पर आपका a प्लस बी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी, यानी कि आपको ए प्लस बी बाई टू यहां पर बताना है। तो ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 8 × 1 = 9, 2 × 1 = 3, 239/12 यहां पर 12 आप कर देंगे क्योंकि यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहां पर एवरेज एज निकालनी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी 12 × 12 और यहां पर आपके बच्चे कितने, यहां पर आपके 11 बच्चे, तो 12 × 108 और आपका यहाँ पर 19 यहाँ पर आ जाएगा। 12 × 108 जाने के बाद आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 11 बच गया। तो अब आपका यहाँ पर 11/12 हो जाएगा और जब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर आपका 11 मंथ आ जाएगा, यानी कि जो आपका एवरेज एज निकल कर आएगी वो 19 ईयर्स 11 मंथ आपकी यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा था कि उन दोनों नए प्लेयर्स की एवरेज एज क्या होगी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा करा दिया। तो इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 71 बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 56 एंड अनदर एज 24 इंस्टेड ऑफ 50। यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट एवरेज, आपको करेक्ट एवरेज बताना है। यहाँ पर आपको 17 लोग स्टूडेंट्स का यहाँ पर एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 17 स्टूडेंट दिए गए हैं जिनका एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पर 71 दिया हुआ है, लेकिन आप क्या गलती करते हैं, बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 65। यानी कि उसके मार्क्स 65 डाल दिए जाते हैं लेकिन होते उसके कितने हैं, 56। तो ये एक्चुअल है और ये आपके एरर मार्क्स हैं। उसके बाद यहां पर फिर से कहा गया एंड अनदर एज 24 इंस्टेड ऑफ, यानी कि 50, तो एक और डाल दिए जाते हैं, 24 होने चाहिए थे 50। तो ये आपके एक्चुअल हैं और ये आपके यहां पर एरर वाले हैं जो कि रॉन्गली एंटर्ड करा दिए गए। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इनका सम निकालें, इनको घटाकर इनको जोड़ दें और आप फिर से एवरेज निकाल लें। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आपने इनको जोड़ा जो कि एरर वाले हैं, तो 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, इनको जोड़ा तो आपका 6 और 106, यानी कि आपका एरर वाले 89 हैं और 106 यहां पर आपके करेक्ट वाले हैं। करेक्ट वाले आपके यहां पर कितने ज्यादा हैं, 89, यहां पर 16 में से 9 गए 7 और 9 में से आपका यहां पर 8 गया 1, यानी कि 17 मार्क्स अभी आपके और बढ़ने चाहिए पर यहां पर सम में। तो अगर आपके टोटल 17 स्टूडेंट हैं और 17 मार्क्स आपको बढ़ाने हैं तो आपने हर स्टूडेंट को कितने कितने देने होंगे, हर स्टूडेंट आप एक मार्क्स दे देंगे तो आपका एवरेज बनकर कितना हो जाएगा, एवरेज आपका 72 हो जाएगा।
तो यहां पर आपको टोटल सम निकालने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि आपके रॉन्गली एंटर्ड कितने हैं और आपके एक्चुअल कितने हैं। यहां पर एक्चुअल मार्क्स ज्यादा हैं, यानी कि आपको एक्चुअल मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे तो एवरेज आपका बढ़ जाएगा, और यहां पर एरर वाले मार्क्स कम है तो आप यहां पर जब करेक्ट में से जब एरर वाले घटाएंगे 17 मार्क्स आपके यहां पर आ गए, 17 को आपने 17 से डिवाइड किया क्योंकि आपको टोटल 17 बढ़ाने थे, तो आपने देख लिया कि एवरेजली आपको पर स्टूडेंट को कितने देने पड़ेंगे, तो पर स्टूडेंट को आपको एक मार्क्स देना पड़ेगा और 72 यहां पर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से जब रॉन्गली एंटर्ड वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप यहां पर इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72, थ्री मार्क्स थ्री नंबर्स 64, 62 एंड 84 mistakenly read as 68, 65 and 73, find the actual average। आपको यहाँ पर 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है, 40 स्टूडेंट का एवरेज आपको 72 दिया हुआ है, और यहाँ पर थ्री नंबर 64, 62 और 84 यहाँ पर दिए हुए हैं, 64, 62 और 84 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, यहाँ पर उनको पढ़ लिया गया 68, 65 और 73, उनको गलती से यहाँ पर पढ़ लिया गया, यानी कि ये आपके एक्चुअल मार्क्स थे लेकिन यहां पर एरर वाले मार्क्स आपके इतने हैं। तो जब आपने इनको जोड़ा तो 4, 4, 8 और 2, 10, 6, 6, 12, 8, 20 और 1, 21, 210 यहां पर आ गया। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 8, 5, 13, 3, 16 और फिर आपका एक कैरी 6, 6, 12, 8, 20, यानी कि 206 आपका यहां पर आ गया। तो अब आपके एरर वाले मार्क्स यहां पर कितने कम है ये पढ़कर यहां पर एवरेज निकाला गया था, यानी कि इनको यहां पर जोड़ा गया था और आपको जोड़ना है ये वाले क्योंकि ये एक्चुअल वाले हैं। तो यहां पर आपके कितने ज्यादा हैं, 4 मार्क्स आपके यहां पर ज्यादा है एक्चुअल वाले, यानी कि 4 मार्क्स अब आपको 40 स्टूडेंट में बांटना है, तो एक को आप 0.1 यहां पर देंगे, तो आपको जब एक को 0.1 देंगे सभी को आप 0.1 मार्क्स यहां पर देंगे तो एवरेज भी यहां पर आपका प्लस 0.1 हो जाएगा और एवरेज 72.1 यहां पर आपका आ जाएगा। तो एरर वाले मार्क्स को आपको इस तरीके से जोड़ना या घटाना है। अगर एरर वाले मार्क्स आपके ज्यादा आ जाते, अगर मान लीजिए एरर वाले मार्क्स आपके 4 ज्यादा आ जाते तो 0.1 अब आपको यहां से घटाना पड़ता क्योंकि सभी से 0.1 आपको निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 63 बट इट वाज फाउंड दैट टू नंबर्स 37 एंड 76 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एज 73 एंड 67 रेस्पेक्टिवली, फाइंड हिज करेक्ट एवरेज इफ इट वाज आल्सो फाउंड दैट टोटल नंबर्स आर ओनली 90। यानी कि आपको पहली कंडीशन यहां पर दी हुई है कि आपके पास 100 नंबर्स का एवरेज 63 है और आपके दो नंबर 37 और 76 जो कि आपके यहां पर करेक्ट होंगे, 37 और यहां पर 76 आपके करेक्ट हैं, इनको आपका क्या पढ़ लिया गया, इनको आपका 73 और 67 यहां पर पढ़ लिया गया जो आपके यहां एरर वाले हैं। एक तो कंडीशन ये हो गई, अब हमें बताना है करेक्ट एवरेज, और दूसरी बात ये है कि यहां पर आपके 100 नंबर ना होकर आपके नंबर कितने हैं, 90 यहां पर आपके नंबर हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने यहां से सम निकाला तो आपका 100 × 63 टोटल सम आपका यहां पर 6300 आ गया। अब ये 6300 यहां पर टोटल सम आ गया और आपके टोटल नंबर्स कितने हैं यहां पर 90, तो जब 6300 को आपने 90 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर आपका कितना आ गया, 70 यहां पर आपका करेक्ट एवरेज आ गया। 70 एवरेज ये तब आया जब 100 से नंबर घटकर 90 रह गए तो आपको यहां पर एवरेज 70 आ गया। लेकिन अब आपको इन दोनों कंडीशन को भी लगाना है, तो आपने जब इसको जोड़ा तो आपका 7, 6, 13, 7, 3, 10 और 111, तो यहां पर 63 आपका यहां पर करेक्ट आ गया। अब आपको यहां पर देखना है 7, 7, 3, 10 और 7, 6, 13 और 1, 14, 140 वाला आपका यहां पर एरर आ गया। अब एरर वाला यहां पर ज्यादा है तो आपको जो पर एवरेज निकलेगा वो सभी में से यहां पर घटाना पड़ेगा, तो आपका 140 में से जब 113 जाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27 अब आपको यहां पर घटाने पड़ेंगे, तो आपको 27 कितने से घटाने पड़ेंगे, 90 से, तो 0.3 अब आपको यहां पर घटाना पड़ेगा एवरेज से, तो आपका एवरेज यहां पर 70 है और 70 से जब आप 0.3 घटाएंगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आपका यहां पर 69.7 यहां पर आ जाएगा। तो आपको यहां पर सबसे पहले 100 नंबर्स का एवरेज 63 दिया हुआ था लेकिन आपके जो ओरिजिनल नंबर्स हैं यहां पर 90 हैं, तो आपने करेक्ट एवरेज निकाल लिया।
अब बची दूसरी कंडीशन कि आपको 37 और 63 को यहां पर गलती से 73 और 67 पढ़ लिया गया था, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया, यहां पर 27 ज्यादा पढ़ लिया गया था 90 के लिए, तो आपको जब 27 को 90 से डिवाइड करेंगे 0.3 आप घटाएंगे, तो सभी में से जब आप 0.3 घटाएंगे तो एवरेज में से भी आपका 0.3 यहां पर घट जाएगा। तो इस तरीके से आपको एरर वाले क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, एवरेज प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल इज 46, लेटर इट वाज फाउंड दैट 16 वाज रीड एज 61 एंड 43 वाज रीड एज 34 एंड द आर्टिकल्स वर 90 इंस्टेड ऑफ 100, फाइंड द एक्चुअल एवरेज। फिर से वही क्वेश्चन है, यहां पर आपको दिया हुआ है 100 आर्टिकल्स दिए हुए थे जिनका एवरेज 46 है, तो आपने यहां से सम निकाला तो 4600 यहां पर आपका सम आ गया, लेकिन जो आपके करेक्ट आर्टिकल हैं वो 100 की जगह 90 है, तो 4600 अपॉन आपने 90 किया और आपका यहां पर एवरेज कितना आ जाएगा, आपने एवरेज निकाल लिया तो आपका 460 बाय यहां पर 9 आपका एवरेज आ गया। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 9 × 5 = 45, आप इसको ऐसे ही रहने दे। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे यहां पर कहा गया है 16 को यहां पर 61 पढ़ लिया गया, यानी कि करेक्ट आपका 16 है जिसको 61 पढ़ लिया गया, और 43 को यहां पर आपका 34 पढ़ लिया गया, तो 43 आपका करेक्ट है, 34 आपका एरर वाला है। आपने जब इसको जोड़ा तो 4 और 1 = 5, 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 9 और यहां पर आपका कितना हो गया 4 और 1 = 5, तो अब आपका करेक्ट वाला कम है यानी कि एरर वाला ज्यादा है, तो यहां पर 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, यानी कि 36 आपको टोटल घटाना पड़ेगा और 36 आपको 90 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 90 पे आपको 36 घटाने पड़ेंगे, तो आपको पर स्टूडेंट आपको 0.54 घटाना पड़ेगा। तो अब आपको 0.4 आपको पर एवरेज से घटाना पड़ेगा, तो 460/9 - 0.4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 460 - 9 × 36 यानी कि 3.6/9। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 और 9 में से 3 गए 6, 5 और 4/9, 9 × 5 = 45 यहां पर आपका आ गया, एक जीरो लगेगी, उसके बाद यहां पर आपका कितना आ जाएगा 9 × 7 = 63, 50.7 आपका यहां पर एवरेज आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट वाला एवरेज आपका 50.7 आ गया। सबसे पहले यहां पर आपके 100 की जगह 90 आर्टिकल थे, तो हमने 90 आर्टिकल को लेकर यहां पर सबसे पहले अपना एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज आपका 460/9 आ गया। इसमें से जब आपने करेक्ट और एरर वाले देखे तो एरर वाले 36 ज्यादा है, यानी कि 90 पे आपको 36 घटाने पड़ेंगे, तो आपको पर स्टूडेंट यहां पर 0.4 आपका यहां पर घटाना पड़ेगा, तो 0.4 जब एवरेज में से घटाएंगे तो 50.7 आपका यहां पर एवरेज करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने चार तरीके से यहां पर क्वेश्चन करा दिए, आपके गलत वाले कैसे करने हैं और आपके सही वाले कैसे करने हैं, जहां आर्टिकल बराबर हो वो कैसे करने हैं, जहां आर्टिकल कम हो जाए वो कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देर आर 48 स्टूडेंट इन अ क्लास विद द एज ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ द एज ऑफ अनदर, इफ दीज टू स्टूडेंट आर रिप्लेस बाय टू अदर whose ages are 16 year and 11 year respectively, the average age of the class increases by 1.5 months, find the age of the younger of the two student। यानी कि आपको टोटल यहां पर 48 स्टूडेंट दिए हुए हैं, आपने मान लिया 48 स्टूडेंट का एवरेज आपका यहां पर x है, जब यहां पर आपके दो स्टूडेंट दिए हुए हैं जिनकी एक की एज आपकी a है और दूसरे की यहां पर आपकी 2 है, ये दो स्टूडेंट यहां पर आपके दिए हुए हैं, इन दोनों को आपको जो बदला जाता है, उन दोनों को बदला जाता है, एक की 16 साल और एक की 11 साल, इन दोनों से यहां पर बदल दिया जाता है, तो एवरेज आपकी 1.5 मंथ बढ़ जाती है, यानी कि 1.5 मंथ का आपका कितना हो जाएगा 3/2 × 12 आप करेंगे तो 3 × 12, यानी कि आपकी एज 1/8 बढ़ जाती है, यहां पर 1/8 ईयर आपकी एज बढ़ जाती है। तो फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48x माइनस आपका कितना हो जाएगा यहां पर 3a, क्योंकि ये दो स्टूडेंट है जिनकी एज a और 2a है, प्लस आपका कितना हो जाएगा 16 × 11 = आपका 48x + 1/8 यहां पर आपका हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 48x - 3a + आपका कितना हो जाएगा यहां पर प्लस आएगा 27 = 48x + 48/8 यहां पर आपका आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48x से आपका 48x कट गया, 8 से 6 बार चला गया, 3a - +27 = आपका यहां पर प्लस का 6 आ गया, 3a उधर चला जाएगा और यहां पर 6 इधर आ जाएगा, तो 27 - 6 = 3a और आपका यहां पर कितना हो जाएगा 3a = आपका हो जाएगा 21/3 और a आपका यहां पर 7 आ जाएगा। तो a यहां पर आपका 7 आ गया, यानी कि 21 एज यहां पर 7 थी
और दूसरे की यहाँ पर 14 थी, जिनको यहाँ पर निकाला गया और 16 और 11 वालों को यहाँ पर लाया गया, जिससे कि आपकी एवरेज एज 1.5 महीने बढ़ गई। अब आपसे यहाँ पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट ऑफ द टू स्टूडेंट, तो यंगर वाला आपका 7 साल का है। तो इस तरीके से आपको जो पूछा गया वो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन अ क्लास इज 15 ईयर्स, वन बॉय इज 20 ईयर लेफ्ट द क्लास बट टू न्यू बॉय कम इन दिस प्लेस हुज एज डिफर बाय 5 ईयर्स, इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉय नाउ इन द क्लास बिकम 15 ईयर्स द एज ऑफ द न्यू कमर इज यंगर न्यू कमर इज। आपको यहाँ पर 30 बॉयज का यहाँ पर एवरेज एज कितना दिया हुआ है, 30 बॉयज का एवरेज एज आपको यहाँ पर 15 दिया हुआ है। यहां से एक लड़का जो कि 20 साल का है क्लास को छोड़कर जाता है, तो 20 साल वाला यहाँ पर क्लास को छोड़कर गया और दो नए बच्चे आ जाते हैं जिनकी एज का डिफरेंस आपका यहाँ पर 5 इयर्स का है, यानी कि एक आपने x मान लिया, एक आपने x प्लस 5 मान लिया। और फिर से आपका इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज नाउ इन द क्लास बिकम 15 इयर्स, यानी कि फिर से आपकी एवरेज एज जो है वो आपकी 15 इयर्स यहाँ पर हो गई। अब आपके स्टूडेंट टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट आपके 31 हो गए और आपकी एवरेज एज फिर से आपकी 15 हो गई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर लिया 30 into 15, आप यहां पर करेंगे माइनस आप 20 प्लस आपका 2x प्लस 5 इक्वल्स टू आप 31 into 15 इसको कर लेंगे। जब आपको इसको सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 2x आपका माइनस 15 हो जाएगा, 31 into 15 माइनस 30 into 15, यानी कि केवल आपका यहां पर 15 रह जाएगा। इस 30 into 15 को मैं इधर लेकर गया और यहाँ पर 31 into 15 से घटा दिया, 15 कॉमन लेने पर यहाँ पर 31 से 30 जाएगा एक बार और यहाँ पर केवल 15 बचेगा, 2x इक्वल्स टू आपका 30 और x इक्वल्स टू यहाँ पर आपका 15 आ गया। तो आपकी एक की एज यहाँ पर आपकी 15 आ गई और दूसरे की एज आपकी यहाँ पर 20 हो जाएगी। तो ये आपको मैंने एज निकाल दिया, पूछा गया था एज ऑफ द यंगर न्यू कमर इज, तो यंगर आपका 15 ईयर्स का यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना था कि आपका एक स्टूडेंट 20 साल का निकाला गया है और दो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जिनकी एज का डिफरेंस 5 साल है उनको लाया गया है, तो टोटल स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर 31 लेने हैं ना कि 30। तो 31 यहाँ पर आपने स्टूडेंट लिया और यहाँ पर आपके जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज द सेम एज इट वॉज 3 ईयर बैक बिकॉज 3 ऑफ द प्लेयर्स हुज करंट एवरेज एज ऑफ 33 ईयर्स वर रिप्लेस्ड बाय 3 यंगस्टर्स द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर इज। यहाँ पर आपको 11 प्लेयर दिए हुए हैं, मान लीजिए 11 प्लेयर का आपका एवरेज एज करंट का आपका 11 आपका यहाँ पर x दिया हुआ है, तो इन 11 प्लेयर्स का आपका 3 साल पहले का एवरेज यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। अगर आप 11 प्लेयर्स के पर सभी 11 प्लेयर्स की एज में से जब 3 साल निकालेंगे तो आपका एवरेज में से भी 3 साल घट जाएगा, यानी कि आपका जो 3 साल पहले का आपका यहाँ पर एवरेज एज हो जाएगा वो x माइनस 3 हो जाएगा। तो जो आज का एवरेज है जब तीन प्लेयर को हटाया जाता है जिनकी एवरेज एज 33 है और 3 नए प्लेयर को लाया जाता है तो वही हो जाता है जो कि आपका एवरेज 3 साल पहले है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, 11x माइनस आप यहां पर करेंगे 3 into 33, सम आपने ले लिया जो नए जो पुराने प्लेयर्स यहां पर गए, प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहां पर जो 3 नए प्लेयर आए इक्वल्स टू आपका x 11x माइनस 3। ये बस आपको यहां पर लिखना था। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस 99 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपका 11x माइनस 33 यहाँ पर आपका आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया 11x से 11x चला गया, a प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ पर 99 में 33 जाएगा 66 आ जाएगा। और जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इक्वल्स टू 66 बाय 3 और आपका यहाँ पर 22 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जो नए प्लेयर्स आए उनकी एवरेज एज यहाँ पर 22 ईयर्स निकल कर आ गई। तो बस आपको यहाँ पर दिया हुआ था जो अभी आपकी एवरेज एज है वही एवरेज एज जो अब आपकी एवरेज एज है वही है जो आपकी 3 साल पहले थी, लेकिन कब है जब आपके 3 प्लेयर जिनकी एवरेज 33 निकाल कर 3 नए को जोड़ा गया, तो यहां पर आपने सम ले लिया, ये वाला सम ले लिया, तीनों का सम ले लिया और आपने पुराना जो एवरेज दिया हुआ था x माइनस 3 उससे 11 को मल्टीप्लाई किया, ये आपका सम हो गया, इसको सॉल्व किया और आपका आंसर यहाँ पर आ गया। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और बहुत ही आसान तरीका, आपकी अभी एवरेज एज क्या है, आपकी एवरेज एज आपने मान ली आपकी एवरेज एज x है
और आपकी अभी फिर से एवरेज एज क्या हो जाएगी, वही एवरेज हो जाएगी जो आपकी 3 साल पहले एवरेज एज थी। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर हो गई। अब आपको प्लेयर्स में कितना डिफरेंस आया, प्लेयर में यहाँ पर आपका कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एवरेज में आपका यहाँ पर -3 का डिफरेंस आया। इस -3 का डिफरेंस यहाँ पर आया, अब आप इस 0 की मल्टीप्लाई इस एक्स -3 से कराएंगे 0 आएगा, प्लस आप -3 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आपका -3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सम में से आपको टोटल -3 -33 घटाना है, तो आपके टोटल प्लेयर कितने रिप्लेस हुए, टोटल प्लेयर आपके 3 रिप्लेस हुए, यानी कि 33/3 जब आप करेंगे तो ये 11 बार चला जाएगा। और आपका एवरेज कितना दिया हुआ है, 3 प्लेयर्स का एवरेज एज आपको 33 दिया हुआ है, माइनस आप 11 करेंगे तो 22 ईयर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जो ये माइनस का 33 आया, ये आपको घटाना पड़ेगा जितना आपका टोटल एवरेज एज दिया हो। तो यहाँ पर माइनस का 33 टोटल एज दी हुई है, आपको इसको एवरेज करना पड़ेगा पर स्टूडेंट, पर प्लेयर आपके यहाँ पर 11 घटेगा, तो टोटल एवरेज में से भी आपको 11 घटाना पड़ेगा और 22 साल आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स, विच वॉज 2.5 ईयर मोर देन द करेक्ट एवरेज एज, देर वॉज एन एरर इन रिकॉर्डिंग द एज ऑफ टू पर्सन एज 38.5 ईयर्स एंड 40 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 29 ईयर्स एंड 22 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप वॉज। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ पर्सन है जिनका आपका एवरेज आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 35, और ये 35 जो आपका एवरेज दिया हुआ है ये 2.5 साल ज़्यादा है, क्योंकि आपके दो एजेस को यहाँ पर गलत पढ़ा गया, जो कि आपकी 38.5 और 40 हैं, जिनको आपको 29 और यहाँ पर आपका 22 होना चाहिए था। तो आपका यहाँ पर 9, 2, 11, 2, 2, 4, 1, 5, 51, 5, 8, 78.5, तो यहाँ पर आपका एरर कितने का आया, यहाँ पर आपका एरर कितने का आया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एरर यहाँ पर 27.5 का निकल कर आया। तो आपका 27.5 का एरर निकल कर आया, और इस 27.5 की वजह से आपका जो यहाँ पर डिफरेंस आया वो 2.5 का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो 27.5 की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली, जो कि आपके एरर आ गया। जब आप इसको 2.5x = 27.5 लिखेंगे और x = 27.5/25 लिखेंगे, तो आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और x आपका यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर देखना था कि आपका एरर कितना दिया हुआ है, 2.5 ईयर्स का एरर दिया गया है। वो यहाँ पर आपका 2.5 का एरर दिया गया है, वो भी किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 27.5 का यहाँ पर एरर है, जो कि आपका करेक्ट 51 ईयर्स होना चाहिए था, लेकिन 78.5 है, जिस वजह से आपका जो एवरेज में वृद्धि हो गई 2.5x की हो गई। तो यही 2.5x हमने 27.5 के बराबर रख लिया और नंबर ऑफ पर्सन हमारे 11 निकल कर आ गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर एरर में एरर को एरर के बराबर करना था और आपके नंबर ऑफ पर्सन निकल कर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इज 38°C, वाइल द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे इज 44°C। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड थर्सडे इज 19°C, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। यानी कि आपको यहां पर एक तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिया हुआ है कितना 38°C, ये आपको एवरेज दिया हुआ है, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका यहां पर सम निकल कर आ जाएगा। फिर से आपको यहां पर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का कितना दिया हुआ है 44°C, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी सम आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपको मंडे प्लस थर्सडे का जो एवरेज दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 19°C, और जब आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका यहाँ पर फिर से इनका सम निकल कर आ गया। तो मंडे प्लस थर्सडे का सम आपका 38°C है, तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस 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 आप इसको काट लेंगे तो एक ट्यूसडे से आपका ट्यूसडे चला जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे चला जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे आपका यहाँ पर 44 में से आप 38 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का 18° यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि 6 × 3 आपका 18°C हो जाएगा। मंडे प्लस थर्सडे यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 38°C। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको काट लेंगे, थर्सडे से थर्सडे चला गया, 2 Monday = आपका 38 - 18 20°C और मंडे आपका 10°C यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप एवरेज टेम्परेचर वाले क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस आप यहाँ पर काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन ए बी सी डी इज 40 kg, इफ ई इज इंक्लूडेड देन एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड ई बिकम 41 kg,
If A is replaced by F, then average of B, C, D, E, F becomes 42.6 kg. Find average weight of B, C, D, F. यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है. पहले आपको कंडीशन दी गई है A, B, C, D का आपको 40 kg दिया हुआ है एवरेज वेट. फिर यहाँ पर A, B, C, D, E का 41 kg दिया हुआ है एवरेज वेट. उसके बाद यहाँ पर A को रिप्लेस कर दिया जाता है F से, यानी कि B, C, D, E, F का हो जाएगा यहाँ पर कितना 42.6 kg. और आपका फाइनली आपको B, C, D, F का यहाँ पर एवरेज वेट आपको बताना है. तो ये आपको कंडीशंस दी गई हैं, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने जब इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 40 और चार आपके पास नंबर है, तो सम आपका कितना आ जाएगा 160 यहाँ पर निकल कर आ गया. यहाँ आपके पांच नंबर हैं और आपका एवरेज 41 है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 205 निकल कर यहाँ पर आपका आ जाएगा. अब आप जब इसमें से इस वाले में से इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ पर केवल E बचेगा. वो E आपका कितना आ जाएगा, 205 माइनस 160 इक्वल्स टू आपका 45 यहाँ पर E निकल कर आ जाएगा. अब आपका E यहाँ पर 45 निकल कर आ गया. अब आपके पास ये संख्या कितनी है, ये भी पांच संख्या. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 3 = 13 और 5 × 6 = 20 और 1 = 21 यहाँ पर 213 यहाँ पर निकल कर आ गया. अभी आपका 213 यहाँ पर आ गया और यहाँ से आपको सिर्फ E को रिमूव करना है. तो जब E को यहाँ पर आपको रिमूव करना है तो आपने 45 घटाया तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 8, 10 × 6 = 1, यानी कि 168 आपका B, C, D, F का सम आ गया. और जब आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर आपका 4 × 16, 4 × 2 = 8 और 42 kg इनका एवरेज निकल कर आ गया. तो जो कंडीशन आपको दी गई थी बस वो आपने रखी. पहले 4 का दिया हुआ था एवरेज सम निकाल लिया, बाद में 5 का दिया हुआ था सम निकाल लिया. इसमें E फालतू आ गया तो इसको जब इससे घटाएंगे तो E निकाल देंगे. फिर आपको 5 का दिया हुआ था, यहाँ पर आपको 4 का फिर से लेना है, E आपको रिमूव करना है, तो E का वेट रिमूव कर दिया और 168 आ गया और आपने एवरेज निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 42 kg. अ न्यू पर्सन एफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेज बाय 1 kg. अगेन अ न्यू पर्सन जी रिप्लेसेज ए, देन द एवरेज एज ऑफ 6% बिकम 44. फाइंड द एवरेज ऑफ बी सी डी ई जी. फिर से आपको यहां पर कंडीशन दी हुई है तो आप कंडीशन देखेंगे. ए बी सी डी ई का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, एवरेज आपको 42 केजी दिया हुआ है और यहां पर आपका एक पर्सन और जोड़ लिया जाता है एफ, तो ए बी सी डी ई और आपका एवरेज एज 43 हो जाता है. अब आपका यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपका दिया गया अगेन अ न्यू पर्सन रिप्लेसेस जी रिप्लेसेस ए, देन द एवरेज एज ऑफ 6% बिकम 44, यानी कि यहां पर आपका कितना हो गया, जी यहां पर आ गया जी बी सी डी ई एफ और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, एवरेज एज आपका 6% का 44 यहां पर हो जाएगा. अब जो आपको फाइनली बताना है, आपको बताना है बी सी डी ई जी का एवरेज एज. बी सी डी ई और जी का आपको एवरेज यहां पर बताना है. अब आप इसको फिर से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पर आपकी पांच संख्याएं हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 210 यहां पर आपका आ जाएगा. यहां पर आपकी 6 संख्याएं, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24 और 1 = 25. जब आपने इसको इससे माइनस कराया तो आपका यहां पर एफ निकल कर आएगा और वो एफ आपका कितना आ जाएगा, 258 −210 और यहां पर एफ आपका 48 आ गया. एफ आपका यहां पर 48 निकल कर आ गया. आपकी ये भी पांच संख्याएं हैं, ये भी 6 संख्याएं हैं. जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यहां पर 6 × 6 = 24, 6 × 6 = 2 = 26 यहां पर निकल कर आ गया. अब आपको यहां से जो घटाना है, आपको यहां पर से F घटाना है, तो 264 में से जब आप 48 को घटा देंगे तो 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गया 1, 216 आ गया. अब आपके पास 216 यहां पर आ गया और 216 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 × 6 = 20, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और आपका एवरेज इज 43.2 kg निकलकर वेट निकलकर आ गया. बस आपको यहां पर एक नंबर जोड़ना था, जो एफ निकालना था, एफ यहां से घटाना था और आपकी एवरेजेस निकल कर आ जाती. तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.